हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, आज मुझे अपने घर में पेटी के अंदर ये पोटली मिली है। तो फ्रेंड्स, ये खोल के देखते हैं इस पोटली में ऐसा क्या है, क्योंकि ये मेरे पास लगभग 20-25 साल से रखी हुई है। जैसे ही ये मिली थी मुझे, मैंने वैसे ही इसको अपने संदूक के अंदर रख दिया था। इसके अंदर जो हैं, उन्होंने ये बोला था कि काफ़ी पुराने सिक्के हैं, तो मैंने कभी नहीं खोले, तो मैं इस वीडियो में आपके सामने इसको खोलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको खोल रही हूँ, देखिए इसके अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हैं ये देखिए काफ़ी पुराने सिक्के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे सिक्के तो कुछ बचपन में हमने भी हाथ में लिए हैं, आप लोगों ने भी इसको हाथ में पकड़ा होगा। फ्रेंड्स, ये जो सिक्के हैं, ये इसमें मैं आपको कौन कौन से सिक्के दिखाऊं वो तो मुझे भी नहीं पता है। ये फिर भी मैं मुझे आपको दिखाती हूँ। ये सिक्का जो है, ये देखिए, ये सिक्का है बहुत ही पुराना, जिसके ऊपर उर्दू में शायद कुछ लिखा हुआ है और कुछ इसके ऊपर चित्र बना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारा ये लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, उर्दू है ये, इसका मतलब ये जो सिक्के हैं ये बहुत पुराने सिक्के हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिक्के जो हैं, ये तो मैं कभी भी किसी को दूंगी नहीं, क्योंकि ये मुझे मिले हैं, मेरे ये परिवार के सिक्के हैं। कुछ ये मेरे हस्बैंड की शॉप थी, तो वहाँ के सिक्के हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, 25 पैसा, और ये है 1 पैसा। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सिक्का पता नहीं कहाँ का है, इसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत है, 10 पैसा है। और ये देखिए, एक छोटा सा इसके अंदर, ये देखिए, ये शंख सा निकला है, और एक ये देखिए, ये मैंने कभी भी खोल कर नहीं देखा, तो आज आपके सामने मैंने इसको खोला है। और ये फ्रेंड्स, कुछ ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 20 पैसे हैं, ये पीतल के हैं, ये 5 पैसे हैं, ये 3 पैसे हैं, ये 10 पैसे हैं। फ्रेंड्स देखिए, कितने कीमती हैं, ये तो मैंने भी नहीं देखे हैं। और इसमें एक चीज़ मुझे और मिली है इसके अंदर फ्रेंड्स, ये अब मेरे ससुर की है कि उनके परिवार में किसी का है, ये पगड़ी पे लगाया जाता है जब फौजी लगाते थे। इसके ऊपर भी कुछ चित्र बना हुआ है, और बहुत ही पुरानी भाषा में इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो मेरी समझ के परे है, सिर्फ प्रदेश मेरे को समझ में आ रहा है, और पीछे से ये टूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये भी मेरे लिए बहुत ही कीमती है। और एक मेरे पास ये सिक्कों में एक ये धर्म से जुड़ा हुआ ये चिन्ह मिला है। फ्रेंड्स, मेरे पास दो तो ये बेशकीमती चीज़ें मिली हैं, तो ये तो मैं किसी को नहीं दूंगी, पता नहीं ये कब की हैं, मुझे भी नहीं पता। तो फ्रेंड्स, ये सिक्के जो हैं, तो इनका मुझे कोई 1 लाख रुपए दे तब भी मैं इनको नहीं दूंगी, और मैं अपने ये पौधों के में इस्तेमाल करूंगी। तो फ्रेंड्स, एक सिक्का ये मिला है, ये भी पीतल का है, पता नहीं तांबे का है, और इस पर भी कुछ लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसा लिखा हुआ जो समझ नहीं पा रही हूँ, संस्कृत में भी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन सिक्कों को मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करूँगी, मनी में, मनी प्लांट। इसको मैं लगाऊँगी बोतलों में, पहले सिक्के डालूँगी, फिर ऊपर से मनी प्लांट लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास ये 2 शहद की शीशियाँ हैं खाली, ये देखिए। तो इसी में मैं इनको, सिक्कों को पहले डालूंगी और ऊपर से मैं इसके अंदर मनी प्लांट लगा दूंगी। फ्रेंड्स, ये जो मैंने मनी प्लांट लिया है, ये भी मैंने अपने गार्डन से ही लिया है। चलिए, आप पहले सिक्कों को इसमें बोतलों में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर हम ये सिक्के पहले थोड़े से भर लेते हैं, फिर इसके अंदर मैं प्लांट लगाऊंगी। सारे सिक्के इस तरीके से बोतल के अंदर भर लेते हैं थोड़े थोड़े करके, क्योंकि
ये काफ़ी भारी सिक्के हैं, तो ऐसा ना हो कि मेरी ये जो शहद की शीशी भी नाजुक सी होती है कहीं टूटी ना जाए। तो फिर इसके अंदर मैं ये जो मनी प्लांट है इसको भी लगा देती हूँ, इसमें डाल दीजिए सिक्के इसके अंदर। फ्रेंड्स ये सारे सिक्के मैं एक ही शीशी में इस तरीके से भर दूंगी, ये देखिए। अब फ्रेंड्स इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये जो मनी प्लांट है इसके अंदर अच्छी तरीके से लग जाए। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस बोतल के अंदर पानी भर दिया अच्छी तरीके से। ये देखिए ये कुछ मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, ये देखिए ये अब कुछ इस तरीके से लग रहा है। फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, जो मैंने ये सिक्के किसी को दिए नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने अच्छा किया है इसमें मनी प्लांट लगाकर, मनी में मनी प्लांट, क्योंकि ये जो सिक्के हैं बहुत ही कीमती हैं, ये समझ लीजिए ये हमारे पूर्वजों की कुछ निशानियां भी हैं जिनको मैं बिल्कुल देना नहीं चाहती हूँ। इसके कोई लाखों रुपए भी मुझे दे तब भी मैं इनको ना दूँ। और अपने पौधों के लिए मैंने कुछ बना दिया खास, ये आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।